डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग एटॉमिक एनर्जी को लेकर के चलेंगे। ये एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स का एक पार्ट है जो जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सामने देखते चलिए। फर्स्ट पार्ट इसका जो होगा वो इंट्रोडक्शन से आपका इंट्रो सेक्शन, उसके बाद है न्यूक्लियर रिएक्शन, देन न्यूक्लियर रिएक्टर। एक्चुअली चार मेन पार्ट में हम लोग जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चार को लेंगे और भारतीय संदर्भ इंडियन रेफरेंस की बात करेंगे। भारतीय संदर्भ में क्या क्या चीजें हैं एटॉमिक एनर्जी को लेकर के उसे देखें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन सेक्शंस की ओर आए तो परमाणुवाद सिद्धांत का जनक हम लोग जॉन डाल्टन को मानते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया, वो भी अधूरा रहा। रदरफोर्ड मॉडल के बाद वो बोरी मॉडल आया, वो भी अधूरा रहा। लेकिन श्रोडिंगर ने सबसे लेटेस्ट व्याख्या किया 1924 ईस्वी में, जो कि एटॉमिक थ्योरी का मूल आधार, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का मूल आधार। भारत में अगर एंशिएंट पीरियड की बात किया जाए तो ऋषि कनाद के बारे में कहा जाता है। ऋषि कनाद वैशेषिक दर्शन के रचयिता, जिन्होंने सबसे पहले परमाणुवाद को समझाने की कोशिश की। अब अगर हम इसके रिएक्शन के देखें तो दो तरह का रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन में आता है। पहला जो है आपका वो फीसन है, फीसन इसको विखंडन कहेंगे। विखंडन में होता क्या है कि एक हैवी न्यूक्लियोइड पर हम बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन का और ये टूटता है बेरियम और क्रिप्टन में, प्लस 3 free न्यूट्रॉन देता है, प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये रिएक्शंस जो है एटॉमिक रिएक्टर में भी होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में और परमाणु बम में भी होता है। इसके साथ होता है कि ये चेन रिएक्शन होता है। ये जो फ्री न्यूट्रॉन है वो 3 to the power 3 इस तरह से आसपास तोड़ना शुरू करता है और ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो एक्सोथर्मिक होता है उसे देता है। दूसरा हमारे पास होता है फ्यूजन, समयन। समयन इसमें होता है कि दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और विखंडन से लाख गुना अधिक ऊर्जा रिलीज करते हैं। ये होता कैसे है तो हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये 10 to the power 7 केल्विन टेम्परेचर पर हीलियम अणु में कन्वर्ट कर जाता है और भार में इसकी कमी होती है और ऊर्जा लाख गुना बिखर। ये सूर्य में अपरिमित ऊर्जा का कारण न्यूक्लियर फ्यूजन है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन बम इस पर आधारित। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रो सेक्शंस, द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, देन उसके बाद इसका टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, देन इसका वर्किंग प्रिंसिपल की बात, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर के खोजकर्ता एनरिको फर्मी सबसे पहले 1940 ईस्वी में मैनहट्टन परियोजना के तहत यूएसए में भूमिगत परमाणु विस्फोट किया गया था। एनरिको फर्मी के द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज की। न्यूक्लियर रिएक्टर कितने तरह के होते हैं, जैसे 0 power reactor, फास्ट रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, हैवी वाटर प्रेशराइज्ड रिएक्टर, इतने तरह के। 0 power reactor क्या है तो ये अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर को 0 power reactor कहते हैं।
फास्ट रिएक्टर में क्या होता है, तो तीव्र न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है जिससे कि उससे एनर्जी आता है। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है जितना ईंधन हम जलाते हैं उतना ईंधन को पुनः गेन कर देता है, उसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। हैवी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होता क्या है, मोइंग कूलेंट के रूप में हम लोग हैवी वाटर का प्रयोग करते हैं, ये हैवी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होता है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि जो विखंडन की क्रिया करवा करके एनर्जी दी जाती है उस एनर्जी के द्वारा हैवी वाटर वेपराइज होता है, उसके प्रेशर से टर्बाइन चलना शुरू होता है और एनर्जी उत्पादित होनी शुरू होती है। इसमें क्या करते हैं, रिएक्शन तो यही होता है, फिशन होता है, लेकिन चूंकि ये बम में अनकंट्रोल होता है और वर्किंग प्रिंसिपल यहां ये कहता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल चेन रिएक्शन, तो कंट्रोल चेन रिएक्शन इसमें इस्तेमाल किया क्या क्या इस्तेमाल होता है ध्यान रखेंगे, हैवी वाटर कूलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, ईंधन के रूप में परिष्कृत यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम 233 का भी उपयोग होता है, इसके अलावा ग्रेफाइट की छड़, कैडमियम की छड़ और बोरॉन एवं बेरिलियम की छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट की छड़े जो है वो न्यूट्रॉन की गति को स्लो करता है, कैडमियम की छड़े न्यूट्रॉन अवशोषक होता है, जो फ्री न्यूट्रॉन होता है उसे अवशोष करता है, और बोरॉन और बेरिलियम की छड़े उसको अर्थित कर देता है जिससे कि एटॉमिक रिएक्टर पर कंट्रोल कर लिया जाता है, कंट्रोल रिएक्टर के नाम से जाना जाता है। ये वर्किंग प्रिंसिपल इसका कहता है, तो मुख्यतः ध्यान रखेंगे छड़ नियंत्रक और हैवी वाटर नियंत्रक दो तरह का, हैवी वाटर को शीतलक के रूप में कूलेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ईंधन में कौन सा इस्तेमाल होगा, तो परिष्कृत यूरेनियम, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है, कई कई थोरियम वेस्ट भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे भारतीय रेफरेंस क्या, 1948 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी और भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को माना जाता है, ये भारतीय रेफरेंस। भारत में सबसे पहले ट्रांबे में 1956 में पहली रिएक्टर स्थापित की गई थी, कनाडा के सहयोग से वो रिएक्टर स्थापित हुआ था, उसका नाम अप्सरा है। इसके अलावा पूर्णिमा, जरवीरा, ध्रुव, ये रिएक्टर कामिनी ध्यान रखिएगा, एक वो रिएक्टर है कामिनी जो भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। 18 मई 1974 ईस्वी को पोखरण में पहली परमाणु विस्फोट की गई थी जिसका नाम रखा गया था शक्ति वन। उसके बाद 1998 ईस्वी में जो था आपका 11 मई को दोबारा विस्फोट हुआ, वो शक्ति टू के नाम से जाना जाता है। भारत में ट्रॉम्बे हो गया, इसके अलावा नांगल में एक आपका पहला हैवी वाटर संयंत्र लगाया गया जो कि संयंत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश नांगल में स्थित है। इसके अलावा कैगा में, ठीक है, राजस्थान के क्षेत्र में रावत भाटा, ये कुछ प्रमुख रिएक्टर से आपके जो इस्तेमाल हो रहे हैं। कामिनी रिएक्टर जो है वो कलपक्कम मिनी के नाम से जाना था, ये तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय संदर्भ में ये तथ्य आपको ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो मैं एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड आपको ध्यान रखने फॉर जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन एग्जामिनेशन के लिए पूछे जाने वाले छोटे छोटे कॉमन क्वेश्चन। इसके बाद हम कल के क्लासेस स्टार्ट करेंगे आपका इंडियन पॉलिटी, उसके बाद कुछ सब टॉपिक ऑफ द हिस्ट्री, देन आफ्टर दैट इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी की चर्चा होती रहेगी। अगर कोई टॉपिक्स आप लोग को घर बैठे परेशानी में डाल रहा है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टीट्यूट में नंबर पर नहीं बल्कि वो चूंकि वन वे है वहां सिर्फ एडमिन मैसेज कर सकता है। इस वजह से आप कोई टॉपिक्स अगर इन चारों सब्जेक्ट्स में से जिसको आप पहले जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद कल के क्लास में हम इंडियन पॉलिटी को इंट्रोड्यूस करते हुए जुड़ेंगे, वहां से द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस, द वेरिएशन ऑफ द थिंग्स वगैरह सबकी चर्चा होती चलेगी। थैंक यू।